नमस्ते, एसडी किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी पनीर पीनट्स ग्रेवी, जो रियल में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और खाने में ये बहुत स्वादिष्ट लगती है और इसका स्वाद कुछ हटके आता है। तो चलिए आज हम बनाते हैं पनीर पीनट्स ग्रेवी। पनीर पीनट्स ग्रेवी बनाने के लिए मैंने लिया है 2 बड़े साइज का प्याज है, जिसको मोटा मोटा काट लिया है। 4 मीडियम साइज का टमाटर है, इसे भी मोटा मोटा काट लिया है। आधी छोटी कटोरी मूंगफली है, जिसको रोस्ट कर लिया है मैंने। अब हम एक कुकर लेंगे और कुकर में डाल देंगे ये प्याज, ये टमाटर भी डाल देंगे। ये रोस्ट किया हुआ मूंगफली भी इसमें डाल देंगे और 2 बड़े चम्मच पानी डाल देंगे इसमें। कुकर का ढक्कन हम बंद कर देते हैं। अब हम इसे गैस पे 1 विसल आने तक पका लेंगे। कुकर में से प्रेशर खत्म हो गया है, अब हम इसका ढक्कन खोल के देख लेते हैं। ये अच्छी तरीके से पक चुका है, अब हम इसे निकाल के और मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे। पनीर पीनट्स ग्रेवी बनाने के लिए मैंने ये मसाले लिए हैं। 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर है, आधे छोटे चम्मच हल्दी पाउडर है, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, नमक स्वाद के अनुसार लेंगे, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला है, 1 पिंच हींग है, 1 छोटा चम्मच जीरा है, 1 तेज पत्ता है, 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी है, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, 250 ग्राम पनीर है और 1 छोटी कटोरी फ्रेश मलाई है। अब मैं यहाँ कढ़ाई गरम कर रही हूँ और कढ़ाई में डालेंगे 2 चम्मच कुकिंग ऑयल। अब हम तेल को गरम कर लेंगे। तेल गरम हो गया है, इसमें हम डाल देंगे जीरा। जीरा को हम थोड़ा चटकने देंगे। इसमें डाल देंगे हम 1 पिंच हींग। जीरा चटक चुका है, अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इसमें हम ये तेज पत्ता भी डाल देंगे और इसे हम थोड़ा सा चला लेंगे। फ्लेम को हम लो कर देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे ये धनिया पाउडर, हल्दी और मिर्च। फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और लगातार चलाते रहेंगे और मसालों को हम 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। मसाले को मैंने भून लिया है, इसमें से तेल अलग होने लगा है। अब हम इसमें डाल देंगे प्याज, टमाटर और मूंगफली का ये पेस्ट। अब इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। मसाले को हम लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पे भूनेंगे। पीनट्स का स्वाद इसमें बहुत ही टेस्टी लगता है, तो इसे जरूर ट्राई करें आप। लगातार चलाते हुए मैंने इसे 2 से 3 मिनट तक भून लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये मलाई। अब हम इसे अच्छे तरीके से इसमें मिला लेंगे। 1 मिनट और इसे हम भून लेते हैं। मसालों को मैंने 1 मिनट और भून लिया है और इसमें अब हम डाल देंगे 1 छोटी कटोरी पानी और इसे हम अच्छे तरीके से मिला लेंगे और इसे हम ढक के इसे उबाल आने देंगे। ग्रेवी में उबाल आ गया है, अब हम लिड हटा लेते हैं। उबाल आने पे ही हम नमक डालेंगे, तो इसमें अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल लेंगे। इसे हम अच्छे तरीके से मिला लेंगे। अब हम इसमें पनीर ऐड कर देते हैं। पनीर आप चाहें तो फ्राई करके भी डाल सकती हैं और इसे अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। इसमें हम गरम मसाला ऐड कर देते हैं और इसे हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे।
ढक के 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे और फ्लेम को हम मीडियम कर लेंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, पनीर में मसाले अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे ये कसूरी मेथी, इसको हम क्रश कर लेंगे और क्रश करके इसे हम इसमें डाल देंगे। इसे अच्छे तरीके से चला लेते हैं। और 1 मिनट के लिए और ढक के इसे हम पका लेंगे। 1 मिनट हो चुका है, अब हम लीड हटा लेते हैं। ये हमारा पनीर पीनट्स ग्रेवी बन के तैयार हो गई है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर लेते हैं। अब इसे हम सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। बहुत ही टेस्टी पनीर पीनट्स ग्रेवी बन के तैयार हो गई है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। इसे आप पराठा पूड़ी या चावल के साथ सर्व कर सकती हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।